अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक्नो कैमन 18 का सक्सेसर टेक्नो कैमन 19 सीरीज पाकिस्तान में जल्दी लॉन्च होने वाली है। 15-20 दिन में हमें पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगी। बहुत सी वीडियोस आई हैं इस पे, लेकिन किसी में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन आज हम फाइनल करेंगे कि कौन कौन से मोबाइल पाकिस्तान में आएंगे और क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है इसकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो तीन मोबाइल पाकिस्तान में आएंगे, टेक्नो कैमन 19, टेक्नो कैमन 19 प्रो और उसके साथ हमें देखने को मिलेगा टेक्नो कैमन 19 प्रो 5G। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस वेरियंट की। अगर बेस वेरियंट की बात करते हैं ना, तो डिजाइन तीनों मोबाइलों का तकरीबन सेम ही होने वाला है। बैक साइड पे हमें डुअल कैमरा देखने को मिलते हैं, इतने बड़े बड़े लेंस लगाए गए हैं, जैसे कि इनमें 1 इंच का सेंसर लगा दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर वाली साइड पे हमें मेन कैमरा देखने को मिलेगा, वहीं नीचे वाला जो होल बनाया है ना, जहां पे लगता है कि दूसरा कैमरा लगा है, उसमें हमें 2 सेंसर देखने को मिलेंगे, जिसमें ज्यादातर चांसेस हैं कि एक सेंसर माइक्रो और उसके साथ साथ हमें जो दूसरा सेंसर देखने को मिलेगा वो इसमें हमें सिर्फ रेलो कटा सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि AI सेंसर खुद टेक्नो कहता है या इन्फिनिक्स कहता है। तो इस तरह का इसका बैक लुक होने वाला है। नो डाउट बैक से बहुत ज्यादा प्रीमियम और प्यारा मोबाइल है। और है यार, जब से 2022 शुरू हुआ है ना, हर कंपनी कोशिश कर रही है कि प्यारा से प्यारा खूबसूरत हसीना निकाली जाए, बहुत ज्यादा प्यारे मोबाइल निकालने की कोशिश की जा रही है। तो आउट क्लास डिजाइन आ रहे हैं 2022 में काफी ज्यादा मोबाइल के। तो ऐसा ही इसका डिजाइन होने वाला है, ट्रेंड को फॉलो करते हुए। और अगर फ्रेम्स की बात करते हैं तो हमें फ्लैट फ्रेम देखने को मिलेंगे बॉक्सी टाइप डिजाइन में। वहीं पर अगर हम इसकी बात करते हैं ना फ्रंट की, तो फ्रंट पे गेम थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फ्रंट पे जो डिस्प्ले की फोटोज निकल के आ रही है वो काफी ज्यादा बेजल लेस डिस्प्ले हमें देखने को नजर आ रहा है। और काफी ज्यादा एक बड़ा डिस्प्ले होने वाला है, 6.7 इंच का ही हमें डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जैसे कि इसकी हमें 18 सीरीज में देखने को मिला था। 18 सीरीज ने तो काफी ज्यादा राज किया है पाकिस्तानी मार्केट में, देखते हैं कि 19 सीरीज कितना राज कर पाती है। वहीं पर अगर हम इसके बेस वेरियंट के प्रोसेसर की बात करते हैं तो काफी ज्यादा मशहूर तरीन प्रोसेसर स्नैपड्रैगन G88 ही देखने को मिलेगा, इससे ऊपर आप कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। वहीं पर हम इसके प्रो वेरियंट की बात करें तो उसमें हमें G96 देखने को मिलेगा। अगर 5G वेरियंट की बात करते हैं ना, तो बहुत से लोग कह रहे हैं स्नैपड्रैगन 888 आएगा, तो लेकिन यार मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आएगा मीना तो डायमेंसिटी 920 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है इस वाले में। लेकिन एक हमें देखा जाए ना ओवरऑल, तो डायमेंसिटी 920 भी एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। तो देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह का मोबाइल आता है। लेकिन जब पाकिस्तान में आएगा तो इसका फील्ड टेस्टेड करके मैं आपको रिव्यू भी इसका प्रोवाइड करूंगा। लेकिन वहीं पर अगर आप इसके कैमरास की बात करते हैं ना 19 के, तो कैमरास तो बेहतरीन हमें देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि मेन कैमरा में 50 MP का देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर हम ऊपर वाले वेरियंट की बात करें तो उसमें हमें 108 MP का कैमरा देखने को मिलने वाला है 5G वाले वेरियंट में। तो कुछ इस तरह का ही हमें कैमरा स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगी। वहीं पर अगर फ्रंट की बात करते हैं तो हमें कैमरा में 19 में जो हमें फ्रंट देखने को मिलेगा वो 16 MP का होगा या 8 का होगा, नहीं ज्यादा चांस तो है कि 16 का ही होगा। वहीं पर अगर ऊपर वाले वेरियंट की बात करें तो उसमें हमें 32 MP का देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं, तो जो बैटरी और चार्जिंग स्पीड हमें इस मोबाइल में देखने को मिलेगी वो ज्यादातर चांस है 5000 mAh की बैटरी के साथ साथ हमें जो चार्जिंग स्पीड देखने को मिलेगी वो 33 वाट चार्जिंग देखने को मिलेगी हमें कैमन 19 में। और वहीं इसके अपर वाले वेरियंट की बात करते हैं ना 5G वाले में, तो बहुत ज्यादा 80% चांसेस है कि उसमें हमें 120 वाट की ही चार्जिंग देखने को मिलेगी। तो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मोबाइल लग रहे हैं। वहीं पे अगर हम 5G वेरिएंट की बात करते हैं, उसका जो बैक है वो हमें थोड़ा कलर चेंजिंग वाला बैक देखने को मिलेगा, जैसा कि तकरीबन 5-6 साल पहले कोई कॉन्सेप्ट फ़ोन आया था ना जिसमें हम मॉड्यूल्स लगा सकते थे, तो इसका बैक ऐसे होगा जैसे इसे फील होगा कि अलग अलग डब्बियाँ अलग अलग मॉड्यूल्स को जोड़ के एक मोबाइल बनाया गया। तो नो डाउट डिज़ाइन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखते हैं कि अंदर से मोबाइल कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कि अपनी प्राइस को वर्थ करता है या नहीं करता, तो हमें टोटल वहीं से ही पता चलेगा कि किस तरह का ये मोबाइल। देखने में तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन अब अगर आप दिमाग में एक चीज बैठाते हैं ना कि हमें कोई वैल्यू फॉर मनी फोन देखने को मिलेगा, तो भाई 2022 में ऐसा होना बहुत मुश्किल हो चुका है इस टाइम के जो प्राइस की सिचुएशन और चिप्स शॉर्टेज चल रही है ना। तो जिस तरह के मोबाइल आएंगे हमें वैसे ही खरीदने पड़ेंगे, लेकिन डिजाइन वाइज अच्छे होंगे, प्रोसेसर वगैरह वाइज भी हमें ठीक ठाक चलने वाले मोबाइल देखने को मिलने वाले हैं, खासतौर टेक्नो की तरफ से, क्योंकि टेक्नो की जो 18 सीरीज आई थी ना, काफी ज्यादा उस सीरीज ने पाकिस्तानी मार्केट पर राज किया था। तो आप लोग क्या कहते हैं, क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जल्द से जल्द हो सकता है कि आपको इस चैनल पर इसकी जल्दी अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखने को मिल जाएगा, जैसे ही ये मोबाइल लॉन्च होगा 1 से 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। और इन्फिनिक्स का VIP जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है ना, उसका भी पाकिस्तान मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द रिव्यू बना दूं 1 या 2 दिन में चैनल पे, उसका भी रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। मैं उसकी फुल टेस्टेड कर रहा हूं कि कितना की VIP है जो इसका इतना बड़ा नाम और हाइप बनाई गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, बहुत खुशी मिलती है जब लोग आप लोग लाइक करते हैं। और नीचे अपना कमेंट में फीडबैक जरूर छोड़ के जाइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो और क्या चीज आप और चाहते हैं, किस चीज पे वीडियोस बनाई जाएं। अब अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज।